अखिलेश यादव का एक हमला बसपा को आज बुरी तरह चुभा। दरअसल सपा अध्यक्ष ने दावा किया था कि भाजपा को सिर्फ उनकी पार्टी ही यूपी में हरा सकती है। बसपा ने इस पर तीखा पलटवार किया। पार्टी के सांसद मलूक नागर ने कहा कि सपा गलत फहमी में है, सच तो यह है कि भाजपा को बसपा के सिवा कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। इसे सपा और बसपा के बीच का घमासान भी तेज हो गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव की वो कौन सी बात थी जो बसपा को सबसे ज्यादा चुभी। और अगर पीछे मुड़ करके देखें हम, जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं, जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अखिलेश यादव ने अपनी इस अधूरी बात को पूरा करने के लिए आगे जो कहा वो बात बसपा को और ज्यादा चुभी। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। ये इशारों इशारों में बसपा पर अखिलेश यादव का लगातार दूसरा हमला था, क्योंकि अखिलेश लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बसपा भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अब बारी बसपा की थी। सपा पर हमले की कमान संभाली पार्टी के बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने। उनको ये समझ में आ गया कि उनकी वोट और 13% जो बसपा की हमारी वोट वो मिल जाए, और जिस जाति का कैंडिडेट होएगा अगर उस जाति की वोट मिल जाए तो फैसला बिल्कुल एक तरफा होता चला जाएगा और बेसिकली मेन चुनाव जो है वो बसपा के और भाजपा के बीच होगा, ये आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। सपा और बसपा के बीच ये घमासान पुराना है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने मायावती पर खुद की बनाई जेल में कैद रहने का आरोप लगाया था। संकेत भाजपा के इशारे पर काम करने की तरफ था। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है, वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद हैं और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। इस पर बसपा भड़क गई थी। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भाजपा नेताओं के साथ अखिलेश की तस्वीरों को ट्वीट कर पूछा था कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुलकर बयां कर रहे हैं, कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश यादव जी आप आजकल। अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है, तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ। साफ है कि अब सपा बनाम बसपा में दूसरे राउंड की टक्कर शुरू होने वाली है, और इसकी शुरुआत अखिलेश के सपा के सम्मेलन में दिए गए बयान से हो गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।